बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए एसएसटी जनरल का जो पेपर हो चुका है उसी पेपर को बाय पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वक्त पूरे पेपर को एक ही वीडियो में अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि दो बाय पार्ट्स में जो मैं अपलोड करता हूँ उसमें दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उसको भी दूर कर लेते हैं और पूरे पेपर को एक ही वीडियो में भी अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पेपर टाइप बी है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, व्हाट डज द टर्म सिटीजनशिप रेफर टू। सिटीजनशिप का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू मेंबरशिप इन अ कम्युनिटी विद राइट्स एंड ड्यूटीज। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ सिविक्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी, अंडरस्टैंडिंग द लीगल राइट्स ऑफ सिटीजन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सिविक्स। अंडर द स्कोप ऑफ सिविक्स, यहां भी करेक्ट ऑप्शन सी है। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड सिटीजनशिप। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज सिविक्स एजुकेशन इम्पैक्ट इंडिविजुअल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है। सॉरी, ऑप्शन हाउ डज, इसमें करेक्ट ऑप्शन देखें ऑप्शन बाय इंक्रीजिंग इग्नोरेंस, ये ऑप्शन बी सॉरी ये है। बाय फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। ऑप्शन बी यस करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट इज द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविक्स। सिविक्स के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट का नेचर जो है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ी सी मिस्टेक है, मिस्टेक तो नहीं लेकिन कंफ्यूजन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि विच सोशल साइंस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स। तो यहाँ पर साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी ये दोनों करेक्ट ऑप्शन आ सकते हैं, ऑप्शन ए और डी। बट आई थिंक द मोस्ट क्लोजली इज ऑप्शन डी, साइकोलॉजी है। बाय पार्ट्स में मैंने ऑप्शन ए को करेक्ट किया था। तो इस क्वेश्चन को आप मजीद स्टडी करें। जो दोस्त अभी एसएसटी मजीद पेपर देने वाले हैं वो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से स्टडी करें, मजीद स्टडी करें ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ह्यूमन राइट्स ट्रीटी स्पेसिफिकली एड्रेसेस द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। सीआरसी, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन बी करेक्ट है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में आइन का किरदार जो है वो ऑप्शन सी है। टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, एलोकेट पावर्स एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स in the context of social services। तो social services इसमें देखिए option B को, programs and policies designed to provide financial and social support to individuals facing hardship। option B correct है। 10 number question देखिए, which United Nation agency is dedicated to addressing the needs of refugees and displaced person। UNHCR। option C, United Nations High Commissioner for Refugees। option C correct है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखें, Hassan Ali Epandi established Sindh Mohammedan Association on the advice of Justice Sayyid Amir Ali. ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखे, फ्यू इंडिविजुअल सिग्निफिकेंटली एल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, fewer still modify the map of the world, hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three. Who made these remarks about Qaide Azam? Stanley Wolfert. Option A correct is. 13 number question, when was the name of Lyallpur changed to Faisalabad? लालपुर का नाम फैसलाबाद कब रखा गया था? ये बात है सितंबर 1, 1977, 1 सितंबर 1977। ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एयर कंपनी वाज द फर्स्ट टू ऑपरेट इन पाकिस्तान? ओरिएंट एयरवेज। ऑप्शन बी है। और 15 नंबर क्वेश्चन है वजीर खान मॉस्क इज इन लाहौर। वजीर खान मॉस्क जो है ये लाहौर में है। ऑप्शन बी है। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह? शाह वलीउल्लाह का रियल नेम कुतुबुद्दीन अहमद था। ऑप्शन सी है। और 17 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर मौलवी तमीजुद्दीन जो कि स्पीकर ऑफ द डिसॉल्व असम्बली थे, फाइल्ड अ पिटीशन विद द सिंध चीफ कोर्ट क्वेश्चनिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल टू डिसॉल्व द असम्बली? तो ये बात ऑप्शन सी 7 नवंबर 1954। ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश इनेक्स पंजाब इन 1849, 1849। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और 19 नंबर क्वेश्चन है कि हु इस्टेब्लिश विक्टोरिया स्कूल इन गाजीपुर? सर सैयद अहमद खान थे। ऑप्शन सी है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि द नेशनल प्लेग ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड ऑन 11 अगस्त 1947। ऑप्शन ए। 21 नंबर, चूज द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज स्पेल्ड रॉन्गली। देखिए इस क्वेश्चन में भी गलती लगी थी, मैंने बी को करेक्ट किया था। एक्चुअली बी नहीं, ए करेक्ट है। इसमें ए का स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन ए, इसकी करेक्शन कर लें। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन बिटवीन 90 एंड 99 ईयर्स ओल्ड इज कॉल्ड नोनेजिनेरियन। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 23, मीनिंग ऑफ द इडियम ही लेफ्ट द टाउन अंडर अ क्लाउड इन डिस्ग्रेस। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24, meaning of the idiom she tried to slip off but was caught immediately, leave quietly, इसका मतलब है ऑप्शन सी है। 25 नंबर क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, पर्सन who pass through this gate without permission will be prosecuted, इसको ट्रेसपासर कहते हैं। ऑप्शन बी है। 26 नंबर क्वेश्चन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, तो इसका पेनोरामा। ऑप्शन बी है। और 27 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, इसका पेशियो वाइज मालूम करना है। वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिपल्स, ठीक है, मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्रिपल्स, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। और 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, यहां भी पेशियोवाइज करना है। वन शुड नॉट गिव अनसोलिसाइटेड एडवाइस, अनसोलिसाइटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, सिनोनिम ऑफ ग्रेफिटी, ग्रेफिटी ये मैंने कहा था कि ये गलत है, लेकिन चंद दोस्त कहते हैं कि नहीं ये इसके ये ठीक है। ऑप्शन ए मैंने करेक्ट किया था, ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंथम ऑफ गोडी, इसका एंथम का जो है ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, DRAB ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 31 लिखिए, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गज़वे खंदक? का दूसरा नाम जो है अहज़ाब है, ऑप्शन ए है। 32 नंबर क्वेश्चन, हु डाइड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ग्रीब? खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और अबू तालिब, तो करेक्ट ऑप्शन डी है। ए और सी दोनों करेक्ट है। 33, द ओनली सहाबी विदाउट सीइंग द प्रॉफिट, वो कौन थे? अवैस करनी, ऑप्शन सी है। 34 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट मास्क ऑफ इस्लाम वॉज बिल्ड इन यकम हिजरी में था, ऑप्शन ए है। 35 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंशन इन कुरान? 4 टाइम्स है ये, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 36 थे कि 36 व्हाट इज रिसाइटेड ड्यूरिंग हज ऑन द वे टू मीना? तलबिया, ऑप्शन डी करेक्ट है। और 37 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इज टचिंग द टचिंग ऑफ हजर-ए-अस्वद, इसको इस्तिलाम कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। 38 नंबर, किबला वॉज चेंज फ्राम अल अक्सा टू मस्जिद अल-हरम, ये शाबान 2 हिजरी में था, ऑप्शन सी है। 39 नंबर, हु किल्ड प्रॉफिट अंकल? हजरत हमजा रदियल्लाहु को किसने शहीद किया था? वहबी बिन हर्ब, ऑप्शन डी है। 40 नंबर क्वेश्चन, बैटल ट्रेन जंग-ए-खंदक कब हुआ था? 5 हिजरी में, ऑप्शन बी है। अब उर्दू के क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, मर्सिया लफ्स रसा से निकला जिसके माने है मरने वालों की तारीफ, ऑप्शन सी है। 42 नंबर क्वेश्चन लिखा, गजल गाने वाले को क्या कहा जाता है? गजल गो कहा जाता है, ऑप्शन ए है। इस्तियारा के मानी क्या है? उधार लेना, ऑप्शन सी है। कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिसका आपस में मुनासिब हो तो उसको मराआतुल नज़ीर कहते हैं, ऑप्शन डी है। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम जोतिदास दनाप्राय, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और हाल ही में सर सैयद अहमद खान की सवान हयात हयात जावेद के नाम से लिखी है, ऑप्शन ए है। तनकीद का बाकायदा आगाज की किताब से हुआ था? मुकदमा शेर व शायर, ऑप्शन बी। उर्दू मजमून निगारी की इब्तदा किसने की थी? सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी है। और सर सैयद की वालिदा किस सूफी शायर से खानदान से ताल्लुक़ रखती थी? ख्वाजा मीर दर्द के, ऑप्शन डी है। उरकोट का मुसन्निफ जो है गुलाम अब्बास है, ऑप्शन सी। तो ये हो गया दोस्तों पेपर कंप्लीट। लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।